अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफाक, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं निकला हूं लोगों से सवालात करने पाकिस्तान के हवाले से। और हम क्या करेंगे, हम लोगों से सवाल करेंगे, अगर उन्होंने सही आंसर्स दिए तो उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा गिव अवे, यानी मैं उनको गिफ्ट दूंगा अपने चैनल का। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर काफ़ी सारी आवाम मौजूद है, तो चलते हैं बारी बारी सबसे सवालात करते हैं और उनको हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो। ठीक है, तो आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल। नहीं, गलत बता रहे हैं आप। चलें मुझे कोई वो सुना दें, मिल नगमा सुना दें। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। मेरी तरफ से शुक्रिया। तो चलें हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, जैसा कि आपको पता है हम सवालात कर रहे हैं और हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या आप मुझे सवाल का जवाब देंगे? से पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिज़ाइन किया? अल्लामा इकबाल। यार हर चीज़ अल्लामा इकबाल ने नहीं बनाई यार, क्या हो गया। चलें खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ, उसे आप यूज़ कीजिएगा। ठीक, दिस इज़ अ पेन फ्रॉम माई साइड। डैश परचम, ये डैश परचम क्या आएगा इस डैश में? हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचम हो गए अजीम परचम, ये परचम हो गए अजीम परचम हमारा पर। वेरी गुड, तालियां बजाओ, तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर मुझे बताएंगे पाकिस्तान किस इस्लामी तारीख को आज़ाद हुआ? रमज़ान की 27 शब्द। बिल्कुल सही कहा सर ने। सर वेरी गुड। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जालंधरी। बिल्कुल, हफीज़ जालंधरी ने लिखा। ओके सर, सर चले मुझे बता दें कि पाकिस्तान के किस शहर में 14 अगस्त की मरकज़ी तकरीब मुनक्कद होती है, कुछ पता आपको? इस्लामाबाद। टू, तो सर ने बहुत अच्छे जवाब दिए, तो अब हम सर को गिफ्ट देते हैं। ये मेरे चैनल का मग है सर, और आप जब भी चाय पियेंगे इसमें तो आपको मेरी याद आएगी। थैंक यू। सवाल आसान सा, सवाल आसान सा, मुश्किल सा नहीं। मुझे बता दो कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 तारीख को। कौन से साल में? 2000। अरे पाकिस्तान 47 में। चलो पीछे से आवाज़ आई है, लेकिन कोई बात नहीं, बैगर बैच नहीं लगाया हुआ यार भाई ने। चलो इनके इस सवाल पर हम इनको अब एक गिफ्ट देते हैं। चुप नहीं छुपेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जुनैरा एंड हेबा मेरे साथ हैं इस वक्त, और आप मुझे मेरी नगमा सुनाने वाले हैं। ठीक है, चलें सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, तालियां बजाएं सब इनके लिए। वेल डन, अब मैं आपको दो गिफ्ट दूंगा। ठीक है, एक को पेन देंगे, थैंक यू, और एक को बैच देंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू। तो भाई मैं आ गया हूँ अभी एक डिफरेंट एरिया 7 नंबर में, मुख्तलिफ एरिया घूमते घूमते मैंने सोचा कि अब यहाँ आ जाएं और यहाँ लोगों से सवालात किए जाएं और उनको कुछ गिवअवेज दिए जाएं। सर मेरा पहला सवाल ये बताएं, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? सॉरी यार नहीं बता। पाकिस्तान कौन सी इस्लामिक तारीख को आज़ाद हुआ? मुहर्रम, अपना मुहर्रम में थी, रमज़ान में भाई भाभी के साथ है तो मैंने कमेंट किया था, इसलिए मैं इनको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ये गिफ्ट है आपके लिए, ये गिफ्ट है, कॉल कर दिखाएं कैमरा में क्या है। तराना सुना दें पाकिस्तान का। पाक सर जमीन आती है? जी जी। चलिए सुना दें। पाक सर जमीन शादमान, कुव्वते अकुव्वत ईश्वरे अजीम शादमान, तर्जुमाने माज़ी। पूरा ही सुना दिया। चले कोई बात नहीं, एक सवाल का जवाब देते हैं, आपको गिफ्ट दे दूंगा। मेरी कोशिश की इन्होंने एटलीस्ट। सर सवाल यह है कि पाकिस्तान के किस शहर में 14 अगस्त की मरकजी तकरीब मुनक्कद होती है? इस्लामाबाद। गुड, सही कहा आपने। ये बैच दीजिए मेरे, अगर तराना पूरा सुना तो गिफ्ट बढ़ा देता। अच्छा, सांस सा पूछता हूँ, कौमी खेल कौन सा है? कौमी खेल कौन सा है? जमीन। नहीं, कौमी खेल जो क्रिकेट होती है, जैसे कौन सा कौमी खेल है पाकिस्तान? हॉकी। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने।
ठीक है, थैंक यू। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल। वेल डन, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कौमी तराना सुना दे। पाक सर जमीन शादबार, किश्वरे हसीन शादबार, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबार। कोई बात नहीं भाई, इन्होंने फिर भी वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम, प्लीज क्लैप फॉर हिम। इनको यू खोल कर दिखाएं क्या है इसमें। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा अब्बासी। हिरा अब्बासी, आई एम विद हिरा अब्बासी, और हिरा अब्बासी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, और ज़्यादा सवालों के लिए खेलना है या कम सवालों के लिए? ज़्यादा सवालों के लिए खेल लेते हैं। चलो भी ज़्यादा सवालों के लिए खेल रहे हैं, हम गिफ्ट देंगे। ओके चले जी, शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान के मायने क्या हैं? पाक सरजमीन। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ओके सवाल नंबर दूसरा है मेरा, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा? हॉकी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सवाल सही कह रही हैं। अब लास्ट सवाल है आपसे, ठीक है, तो मुझे बताएं कौमी तराना सुना सकती हैं? जी थोड़ा सा सुना दें। चलो पाक सरजमीन शादबाद। मुझे स्कूल का ज़माना याद आ रहा है, इसी हम लोग ये कर रहे हैं। पाक सरजमीन शादबाद, आगे नहीं आते। किश्वर हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान। चले फिर भी जी, वेल डन, प्लीज क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हर, शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। अनबॉक्स भी हिरा अब्बासी करेंगी। दिस इज माई चैनल मग, आप ये एक थैंक यू। दोबारा बोलिए क्या बोला आपने? इट्स नाइस। थैंक यू, थैंक यू। अब ये मग है, आपने इसमें चाय पीनी है, जब भी आप चाय पीएंगी आपको हमारे चैनल की याद आएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए मैम, थैंक यू, अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतने सारे इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े बहुत शहर की रोशनियाँ देख ली जाएँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तरह ही जगमगाता रखे, खूबसूरत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो देखा आपने कि किस तरह से मैंने जो है ये लोगों से सवाल पूछे, उनको गिफ्ट तकसीम किए। तो भाई आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।